नमस्कार किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम UPL कंपनी की एरिस्टा ब्रेड इंसेक्टिसाइड की विशेषताओं पर आपको डिटेल में जानकारी देंगे। जी हाँ किसान भाइयों, इसका जो हमें टेक्निकल देखने को मिलता है, कौन कौन सी फसलों पर आप इसका छिड़काव कर सकते हैं, क्या इसके बेनिफिट हमें देखने को मिलते हैं, कैसे यह काम करता है, कितनी मात्रा में हमें इसका छिड़काव करना चाहिए, सारी विशेषताओं पर आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको डिटेल में जानकारी देंगे। तो किसान भाइयों, बात कर लेते हैं एरिस्टा ब्रेड इंसेक्टिसाइड के बारे में। तो किसान भाइयों, जैसे कि यह एक सकिंग पेस्ट स्पेशलिस्ट है, यानी कि हमारी फसलों पर लगने वाले जो रस चूसक कीट होते हैं उनको यह काफ़ी प्रभावी ढंग से नियंत्रित करता है और काफ़ी अच्छे हमें सकिंग पेस्ट पर एरिस्टा ब्रेड के रिजल्ट देखने को मिले हैं। जैसे कि किसान भाइयों, यह एक नियोनिकोटिनॉइड्स ग्रुप का टेक्निकल है और काफ़ी प्रभावी तरीके से यह सकिंग पेस्ट को नियंत्रित करता है। किसान भाइयों, मुख्य रूप से आप इसका जो छिड़काव है कॉटन पर कर सकते हैं और अन्य वेजिटेबल वाली फसलों पर इसका छिड़काव कर सकते हैं। कॉटन मैंने इसलिए बोला किसान भाइयों, काफ़ी अच्छे हमें रिजल्ट इसके कॉटन पर देखने को मिलते हैं और कॉटन की फसल पर यह जितने भी रस चूसक जो कीट होते हैं, जैसे कि एफिड, जैसे वाइप फ्लाई, हॉपर्स वगैरह होते हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से यो जो ये है नियंत्रित करता है। इसमें जो हमें टेक्निकल देखने को मिलता है वो असिटामाप्रिड 20% SP फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। किसान भाइयों, जो असिटामाप्रिड का जो काम होता है वो जितने भी रस चूसक जो कीट होते हैं हमारी फसलों पर उनको यह प्रभावी तरीके से नियंत्रित करता है। इसके साथ साथ किसान भाइयों, असिटामाप्रिड का छिड़काव से हमारी फसलों पर जो फायदे होते हैं, जो फायदे ये हैं कि यह जो इसके जैसे छिड़काव से सकिंग पेस्ट जो होते हैं, जितने भी कीट होते हैं उनके यह नर्वस सिस्टम पर जाकर सीधे अटैक करता है, जिससे कीटों की मृत्यु हो जाती है। किसान भाइयों, यह हमें जो भी डैमेज हमारी फसलों को करते हैं उससे भी यह बचाता है। किसान भाइयों, इसके साथ साथ यह हमें लंबे समय तक सकिंग पेस्ट पर कंट्रोल देता है। वही हम अगर बात करते हैं इसकी डोज के बारे में, तो आप इसका छिड़काव 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से करवा सकते हैं। किसान भाइयों, इसका मुख्य रूप से जैसे कि मैंने आपको बताया, छिड़काव आप कपास की फसल पर करवा सकते हैं, काफ़ी अच्छे इसके रिजल्ट हमें देखने को मिले हैं। इसके साथ साथ अन्य बागवानी फसलों पर भी आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें किसान भाइयों, ट्रांस लेमिनार एक्टिविटी भी हमें देखने को मिलती है, यानी कि यह हमारी फसल को कीटों से तो बचाता ही है, लेकिन हमारी फसल को हरा भरा भी करने में मदद करता है। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही किसी जानकारी के साथ। धन्यवाद।